नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे, एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। विगत दिनों नेशनल खबर की पूरी टीम हिम्स मेरठ पहुंची, जिसे एशिया का 1000 बेड वाला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल भी कहा जाता है, और वहां पर 72 आवर्स का रेजिडेंशियल कैंप लगा हुआ था, जहां पर अलग अलग राज्यों से कई सारे पेशेंट वहां पर आकर एडमिट हुए, अपनी जो भी गंभीर बीमारियां थी उनका इलाज जानने के लिए, सीखने के लिए कि आखिर वो कैसे ठीक हो सकते हैं। तो उन पेशेंट से जाके हमने बात की और उनका एक्सपीरियंस जाना कि आखिर वो कैसे ठीक हुए और क्या उन्हें वहाँ पर कमी लगी, वहाँ का स्टाफ कैसा है और उन्हें आखिर ट्रीटमेंट कैसी दी जा रही है। कई पेशेंट ने कुछ सजेशंस दिए हैं, वो सारी चीज़ें आप सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि 3 डेज के रेजिडेंशियल कैंप में कोई इंसान ठीक कैसे होता है। तो मेरे साथ अभी जो है यहाँ पर द्वारकाधीश जी जुड़े हुए हैं, ये IBD के पेशेंट हैं, यहाँ पर मौजूद हैं हिम्स मेरठ में। सर, आपका बहुत स्वागत है। और फिलहाल आपको दिक्कत जो थी, क्या प्रॉब्लम थी? मेरा कैंसर पे है। कैंसर था? हाँ। और कब से था ये? 3-4 महीने से हमको मालूम पड़ा है, और ये 20 दिन में बड़ा हो गया ट्यूमर। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद ये जो ट्यूमर भी फूट गया और रस्सी निकलने लगा है पल्स, और हमको थोड़ा फील हो रहा है। एक हफ्ते में अभी हम इसे हम थोड़ा ठीक हो गए हैं। जैसे आपने बताया 6-7 महीने में था, तो आप कहीं और भी गए थे डॉक्टर्स के पास? डॉक्टर के पास तो हम गए थे, हम आयुर्वेदिक में गए थे। एलोपैथिक में मैंने कहीं दवाई नहीं ली, क्योंकि एलोपैथिक से मुझे रिएक्शन आ रहा है, तो मैं एलोपैथिक दवाई लेता नहीं हूँ। सर, आयुर्वेदिक तो जैसे स्लो प्रोसेस माना जाता है, तो आपने आयुर्वेदिक की तरफ जाने का क्या सोचा? हमने पहले से ही, सर कोई भी हम बीमारी होते हैं तो हम आयुर्वेदिक में जाते हैं, क्योंकि मेरा एलोपैथिक से बॉडी में रिएक्शन आ जाता है। सर, मेटासिन जैसे छोटी सी टेबलेट ले लें तो भी रिएक्शन आ जाता है। अच्छा। और यहाँ पर जब आप आए हैं तो क्या ट्रीटमेंट, थेरेपी क्या आपको दी गई है, क्या चीज़ कराई गई है? यहाँ ट्रीटमेंट में जो हमको हॉट थेरेपी दी गई है, हॉट वाटर वाला, और मसाज और ये मलम लगाते हैं, उनके अलावा हमको रात को लगाते प्याज वाला। अच्छा। और शरीर में और भी कोई तकलीफ हो रही थी? शरीर में और कोई तकलीफ नहीं है कैंसर के अलावा, और हमको खाने में डाइट दिया जा रहा है। फिलहाल अब इम्प्रूव्ड है? सर, इम्प्रूव्ड है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। सो मेरे साथ अभी जो पेशेंट मौजूद हैं, संजय कुमार जैन, जो कि सहारनपुर से आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम थी। सर, क्या प्रॉब्लम थी? बेसिकली मेरे को मल्टीपल माइलोमा है, इट इज सॉर्ट ऑफ, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कैंसर बोलते हैं। कब से थी आपको? पिछले 4 साल हो गए, 3 साल। अब कहीं डॉक्टर्स के पास गए कहीं? हाँ, मैं देखिए, इस सब चीज़ का स्टार्टिंग तो इंग्लिश थेरेपी ही है, वो ही मैंने अडॉप्ट की थी और उससे बढ़िया अच्छा खासा हुआ। लेकिन मैंने मेंटेनेंस पीरियड में उनके आ गया था मैं, तो फिर मैंने ये DIP डाइट, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा फॉलोअर है इससे सब चीज़ की, तो वो घर में माहौल इससे वही क्रिएट कर दिया। तो उससे मैंने ये किया कि जो मेंटेनेंस पीरियड में मेरे को इंग्लिश दवाई ले दिया था वो टोटली ड्रॉप आउट कर दी। अच्छा। कोई नहीं, और रिजल्ट मेरे को अच्छे आते रहे। और अभी जो ये 3 डेज आप जो ये IPD में हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस IPD में क्या आपको यहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, थेरेपीज दी जा रही है? थेरेपी में तो हॉट वाटर है, एक सृष्टिशाली है, एक लेप है, 3 चीज़ मेरे को आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर थेरेपी मैं ऑलरेडी अपने घर पे मैंने लगा रखा है, तो मैं कर रहा हूँ। सिर्फ एक पंचकर्मा मेरे पास घर में नहीं है, बाकी सब फैसिलिटीज़, इवन द 0 वोल्ट थेरेपी ऑल्सो मैंने अपने घर पे उसको पहले से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। सर, सवाल ये भी है कि जब सारी चीज़ें ये बोलते हैं यहाँ पर, जो स्लोगन है कि आप खुद के डॉक्टर खुद बनिए, घर पर कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ आने का कोई मकसद? मोर एजुकेट, ज़्यादा एजुकेट होने की वजह से यहाँ आना पड़ा। अच्छा। कि कुछ चीज़ें हम सुनने में, सुनाने में और बताने में फ़र्क हो जाता है,
तो उसको हम क्यों ना अपने आप सुन के और अपने आप एप्लीकेट कर दें, तो वो सिर्फ हमारे तक रह जाएगी। बिल्कुल। और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या आए हैं वो प्लीज शेयर कीजिए। थोड़ा मतलब सही मायनों में पाँच छः दिन हुए, हर छठा दिन में थोड़ा स्लो प्रोसेस ओके। तो धीरे धीरे मतलब फिर भी ठीक इम्प्रूवमेंट आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे, एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।